सत श्रीकाल डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो। संगरूर दे पिंड हरिओं दे अजमेर सिंह की एक वीडियो वायरल होंदी है। अजमेर सिंह नाम का एक बजुर्ग है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया से वायरल होंदी है कि उसका जिहड़ा मकान है वह ढह ढेरी हो चुका है। मकान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कोई इंसान किसी घर च रहिंदा तो मकान घर बन जाता, तो महज उहदे कोल दो कमरे ने जिन्हां की हालत बद तो बदतर है। मेरे नाल इस वेले आम आदमी पार्टी के विधायक ने श्री चमकौर साहब तो डॉक्टर चरणजीत। डॉक्टर साहब जदों MLA सीगे उदों भी मकान जिहड़े ने बनाया सीगा। डॉक्टर साहब संगरूर मकान डिग्गिया है तो तुसीं उहनां नूं बनाउण दा जिक्र कर रहे हो। हाँ जी, सारिआं नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक खबर आई सी कि जमेर सिंह हरिओं पिंड दा एक बजुर्ग है जिसका अगे पिछे कोई नहीं, तो उसका दो कमरे है, एक गिर चुकिया तो दूसरा भी गिरन किनारे है, बाले वो बिल्कुल हिले हुए ने। सो मैं सब तो पहला तो उस अकाल पुरख नूं अरदास करदा कि ऐसा किसे नाल ना हो। वह भी एक ऐसी उम्र वेले जदों बंदे का अंत समा आया हुंदा तकरीबन, क्योंकि 70-75 साल का बजुर्ग है और एक दहाका गुजर गया ऑलमोस्ट, तो उहदा कोई बाली वास नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, उहदी औरत की मौत हो चुकी है, तो हुण उहनूं सांभण नूं कोई नहीं है। सांभणा तां दूर की गल है, हुण उहदे कोल इक छत भी नहीं है कि वह अपना जिथे वह अपनी रात कट सके। सो मैं मेरे ये दिल नूं बहुत छूई है। पहला भी मैं एक रोपड़ दे कोल एक किसी का मकान गिरिया सी पिछले जदों आह अपना हड़ आए सी, तो उदों भी उहनूं एक कमरे दो ते इक रसोई बना के दिता सी। तो मेरा ये हुण इच्छा है, इच्छा नहीं मेरा ये, मैं दृढ़ विश्वास है कि मैं चाहना कि यह बनावा उहदे लई कम से कम एक कमरा पक्का जिहड़ा हैगा, या कोशिश करांगे कि दो कमरे उहदे बनाए जाण तां कि उह जो उहदे जीवन दे हालात है इस उम्र च उह सुधर सकण। डॉक्टर साहब अपनी जेब चो ही कर रहे हो, सरकार तो ये मदद लो? नहीं, मैं ये अपनी जेब चो ही करना चाहना, तो मैं बहुत जल्द तुसी रादर मैं थोनू कहवांगा थोड़े माध्यम राही कि उत्थों मैनू कोई कॉन्टैक्ट करे, जल्द तो जल्द जड़ा हैगा उसका यह मकान मैं बना के देना चाहना। विजिट करोंगे क्योंकि देखा जाए? हाँ जी, जिस दिन शुरुआत करूँगा मैं उत्थे जावांगा और शुरुआत करके आवांगे बहुत जल्द, तो आस करदा कि तुसी जरूर मैनू उस अपने माध्यम राही उस बंदे नाल मिलाओगे। डॉक्टर साहब ये चीज़ा पार्टीबाजी तो उपर उठ के होनी है? बिल्कुल, जदों जिहड़ा मैं पहला मकान बनाया सी उदों मैं MLA भी नहीं सी, लेकिन हरेक लई मैं समझदा कि अपने इंसान होने के नाते इंसान लई दर्द होना जरूरी है। कहिंदे बाणी च भी कहिंदे भी जे दर्द जिहड़ा जिस इंसान च दर्द नहीं है वह जिहड़ी है मसान समान है इंसान। सो दर्द एक दूसरे लिए दर्द होना बहुत जरूरी। पोलीटल लोगों के लोग बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं, कहें कि पोलीटल लोग हर चीज़ सलाह देखते हैं पर हूँ तो कोई वोटा भी नहीं है, थोड़े को 5 साल के टेन्योर है थोड़ी ना, कोई हजे 24 अगे है, फिर भी एफर्ट कर रहे हो? नहीं, मैं थोड़ा दसिया ना भी यह अंदरूनी मेरे जड़ा है एक बाणी च फरमान है कि बिरिया बिरिया आखी है, बिरिया तो सुल्तान, जिस तन बिरिया न उपजे सो तन जान मसान, यह साड़ी बाणी कहती है। सो मैं चाहूँ प्रधानमंत्री जी भी एक स्कीम सी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों तक की योजना पहुँची नहीं हैगी, हालांकि फोटो तो बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं। देखो इतों ही पता लगता है कि जेडे जरूरतमंद है उन्हां तक अज तक जिहड़ियां इह सरकार दियां स्कीमां पहुँचिया नहीं, अगर पहुँचिया हुंदियां तां इस बंदे का अज तो यह हाल नहीं है। ये तो 75 साल की उहदी उम्र हो गई, सो किन्ना समा बीत गया। अगर सरकार दियां जिहड़ियां इह स्कीमां लोड़वंद तक पहुँचन तो मेरा ख्याल है ऐसे सानूं घटनावां ना दिखण। अज जे तुसीं आटा दाल की भी गल करो उहदे च भी ये हाल है भी जिन्होंने तकड़े वड्डे मकान बनाए हुए ने मर्सडीज़ च वह आटा दाल स्कीम का लाभ लैण आ रहे हैं, लेकिन जिहड़े जरूरतमंद है उन्होंने तक ये पहुँच नहीं रही। मेरा तुसीं हुण सरकार चों सत्ता तुहाडी आ बिच बैठदे हो,
ਤਾਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਛਾਣਾ ਲਾਉਂਗੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਛਾਣ ਕੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 70-75 ਸਾਲ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ।